अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू इंडियन यूट्यूबर रेशमा के चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलिए एक नए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कल रात को दाल उबाल को फ्रिज में रख डाली थी ठंडा होने के लिए, तो टाइम भी नहीं था रात को। अभी मैं यहाँ पर आज इसमें दाल पीस रही हूँ मिक्सी में, क्योंकि जर्रीज 100 ग्राम से तेज गलाई थी सुमें। और यहाँ पर कोकोनट यानी कि कच्चा खोपरा दो भी मिला को पीस लेंगे। अब ज़्यादा रहे एक आधा केजी की, एक केजी की वकली में पीस सकती थी। अब ये ताजा क्या पीसना बोल को यहाँ मिक्सी में पीस रही। देखिए यहाँ पर दाल पीसने के बाद अभी मैं शक्कर डालूँगी, गैस की स्पीड आई टेस्ट के हिसाब से डालिए। मेरे हिसाब से 100 ग्राम दाल है ये, 100 ग्राम डाल रही तो 100 ग्राम से शक्कर डालेंगे। आप मीठा ज़्यादा खाते रहे मीठा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अभी मैं डाली हूँ 100 ग्राम शुगर। अच्छी तरह से पकाएंगे शक्कर को, दाल को और कच्चा खोपरा तीनों को भी। इलायची भी डाल चुके हैं हम, तो पकने के बाद दिखाऊंगी क्या होगा। मोमा कैसा मार लगा तुमने, लगता कैसा कि खून आ रहा है सड़ा सड़ा लगा। अभी 2 सेकंड भी हुआ नहीं उतना बड़ा। ओ आज 21 टेम्पो 3 बार मारा लगी मुझे, एक बार यहाँ पिशानी को, एक बार अंगली को, एक बार पोंगे अंगूठे को, मालूम नहीं किए है किए। क्या ऑयल डाले सर? कितना कमा लेते हैं आटो में तुम्हें रोज के? 200-300। ऊटी को जाकर जब से मैं तरकारी कुछ गई नहीं मार्केट को, उसके पहले मैं सब कुछ ला कर रखो गई थी घर में, सब कुछ रंधे बोल को वो था। गीता के साथ गई थी एक बार बीच में मेरे बर्थडे के दिन, उस दिन मेरे वास्ते कुछ भी नहीं लिए क्योंकि फ्रिज क्लीन करना बोल को, तो थोड़ा बहुत यहाँ से दुकान से ले लगाती थी ग्रीन हाउस को जाकर। तो आज फाइनली प्याज पूरी ख़त्म हो गई थी हमारे यहाँ, तो चलिए प्याज का मोल क्या है देखेंगे। तैयार होना ना बात। और बीन्स कैसा? 100 रुपए के जी है। वो 80 अच्छी नहीं है। 80 रुपए लगाओ लगाओ। ये डालो कितना? आधा किलो 40 से आधा किलो ऐसा ये छोटे। अरे बिंडन बिंडन 40 ये के जी का 80 फोन पे है नी? फोन पे भी है, बैन पे पूरा है, पेटीएम भी है। यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं पूरे हमारे सब्सक्राइबर हैं। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो बड़ी अदब बड़ी इज्जत से बड़े एहतराम से बात करती। तो अभी है ना मार्केट में अच्छी अच्छी तरकारी पूरा सीजन के हिसाब से आको है। जरा दिन के पहले बहुत महंगी हो गई थी, अभी बीन्स आको 100 रुपए किलो, लेकिन प्याज 3 किलो 100 रुपए, जरा बड़ी है सो 110 रुपए 2.5 किलो। लहसुन का मोल भी 200 रुपए, अदरक का को कितना था 240 200 आधा किलो लिए समय। तो अच्छा है ना, इसके बाद सीज़न है अगस्त तक, ज़रा परवाह नहीं, अच्छी रहती है सब्जी पूरी। तो इस तरह से होता है घर का रूटीन, जो भी ख़त्म होता है लाओ खाओ, जिंदगी का नाम इसी का है। तो मेरा रूटीन इस तरह से होता है, तरकारी हो गई तो मार्केट जाना, या घर में कपड़े ज़्यादा हो गए तो कपड़े वॉश करना, हर रोज़ कुछ ना कुछ काम रहता है। मेरे प्यारे सिस्टर्स और मेरे बहना, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका भी इसी तरह का रूटीन होता है, सबका भी ऐसा ही। मैं वीडियो बना के डालती हूँ, आप वीडियो नहीं डालते, बस इतना ही फ़र्क होता है। तो अभी मैं चित्रन्ना बनाने वाली हूँ, कच्चा आम भी ले ली हूँ, तो आना है तो ज़रूर से यहाँ पर विजिट कर लीजिए। अभी मैं मार्केट आके हूँ। अरबिया बोले तो अरबिया, अरबिया बोले तो कह रहे मामू कमेंट में पूछती ना क्या वो बोलकर।
अरबिया का मतलब अरबिया अरबिया इन अरबिया अरबिया कहते हैं हमारे घर में। अढ़ाई किलो 100 रुपए, वो 3 किलो 100 रुपए। 110, अढ़ाई किलो 110, 110 अढ़ाई किलो। आलू उनका बाजू वाला हमारा नहीं है। तो प्याज देखिए कितनी महंगी हो गई है। फिर ये भी होता अच्छा, ये भी अच्छी थी, क्या करने होता नहीं। लहसुन है कैसा भैया? तो अभी इस टाइम पर मैं मार्केट को आई हूँ। लहसुन कैसा? 280 200। ये प्याज बड़ी प्याज कैसा तुम्हारे पास है? 110 3 किलो, अढ़ाई किलो। लाओ एक। हेलो छोड़ो, अरे छोड़ रे बाप, वजन है परवाह नहीं, छोड़ो। आटो कहाँ की है? वो तो रख, पीछे से आटो, आटा ले लेके जाओ निकल जा। कहीं ना तो लगेज मेरे हाथों में बहुत ज़्यादा था, तो प्याज ही मेरे पास 5 किलो से ज़्यादा थी। तो बहुत ज़्यादा लगेज रहने के बाद फाइनली यहाँ पर मुझे ऑटो मिल गई। बहुत टेस्टी रहती है, अगर आप मार्केट आए तो जरूर ले लो जल्दी, बारिश आने वाला है। अच्छे हैं पक्के, मालूम मुझे ये टेस्टी रहती है। उठा देने के वहाँ का तुमने सब अच्छा, ये कट करो, ये जड़ा लेते रहे। सस्ता माल बड़ा पन्ना का, सस्ता माल बड़ा पन्ना, लेकिन टेस्ट अच्छा रहता है। वो भाई को रहती चार देती हमने। निरंजन स्टोर, उसमें क्या लाई हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। ग्रोसरी का दुकान, वो मार्केट के अंदर जब भी मैं जाती हूँ उसी मार्केट से मैं मार्किन कटा भी ले लगाती हूँ। ज़रूरत की चीज़ें आ रहती ना तब मार्केट को, तो मैं वही स्टोर से ले जाती हूँ। तो अभी मैं मार्केट में भाजी ले रही हूँ, बहुत कम हो गई थी मार्केट में भाजी, परवाह नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखो 20 रुपए ले लियो, मैं ले लियो, मैं नको, ये नाटी नहीं है, नाटी माँ नहीं नहीं फारम माँ, परसों ले ले जाको, वेट करे अंदर मिक्स हो पड़ता है तरकारी, परवाह नहीं आती। अब आती है, अब आती है, बारिश पड़ रहा है ना उसकी वजह से आती है। जरा छपकी थी तरकारी, नहीं थी मार्केट में, देख सकते हैं आप। वहाँ दिखाए सा मैं किन लिए बा चार 20 रुपीस ईच मंदाल को नहीं है, 5 रुपए वंदु सस्ता माल बड़ा पन्ना। फर्स्ट क्लास आपको मार्केट में तरकारी, तरकारी खाओ बोर्ड से ज्यादा। पैसे पूरे हो गए, ये छोटे मोटे हम फोन पे नहीं करा लेते, 10-5 को सभी पूरा वहाँ लट्टा छोड़ी क्या हो। अय्या खास नहीं, कौन सी भाई को ये भाजी वाली क्या बोले कट्टे की है, ठीकरे की भाजी हाँ। दिखाओ कौन सी वो ठीकरे की, हम क्या हमको अच्छा और खाए बता चाहिए, वो तो सही बात है। शाम होगी नहीं दीदाल थी, ठिकरे की भाजी है, कतली बहुत अच्छी रहती है, इसमें लोबे दाल को पकाए तो हर चीज़ मिलती है। देखिए अभी मैं आई हूँ, चार बज रहे हैं, 4 से 5 बजे, तो अभी फैक्ट्रियाँ ये वो छुट्टी, फिर ऑफिस हम चटने आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट में फुल लाखों है तरकारी, लेकिन परवाह नहीं, अच्छी सस्ती प्राइस में है। तो आदम सब खुश हो जाती है, देखो मार्केट का माहौल देखो, अच्छा लगता है ना ऐसा। तो देखिए किस किस को मार्केट पाक और सब्जी खरीदना अच्छा लगता है, मेरी यूट्यूब फैमिली ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो
वो तो सही बात, आटा मीठा लगा है तो सबको अच्छा लगता है सोचिए। नहीं आटो एक दिन उर्गीम को चलेगी तो अपना बहुत वाफा हो जाता है। नहीं होता मेरे हाथ से तो बिल्कुल होता नहीं। मैं आती थी मार्केट को तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे सब्सक्राइबर भी मिले तो मुझे इतना अच्छा लगता है। सलाम करे जवाब दिए उसकी बात। देखो कितनी तरकारी है बारिश पड़ने के बाद। हाँ वो अब सीजन नहीं है, सीजन है हर चीज। सांभर की प्याज चटनी को अच्छी रहती है। मार्केट का लोकेशन बोलती ना, देखो यहाँ दरगाह को देख ले तो बस इसके अंदर जाना से होता। मार्केट में क्या भी लोकेशन डालने का नहीं है। यहाँ सिग्नल में उतरो, नहीं ऑटो में आती, नहीं टू व्हीलर में आती, नहीं बस में आती। यहाँ दरगाह के सामने आ गए तो लेफ्ट में फिरे तो वॉच मार्केट, तरकारी का मार्केट। देखो यहाँ यहाँ से दिखा चुन, देखो तुम ना यहाँ से सीधा जाना अंदर। बारिश आई जैसा था लेकिन अल्लाह का करम है कि बारिश नहीं आया। और भी क्लाइमेट थोड़ा क्लाउडी है, देख ले बाहर। अभी फिलहाल मैं मार्केट में हूँ। एप्पल का भी सीजन आ जाता है, अब अगस्त आया है जैसा फ्रूट भी ज्यादा होता है। तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पर मैं अनार ले रही हूँ। अच्छा है साला भैया, खराब तो देखिए यहाँ पर अभी फ्रूट का सीजन आने वाला है, आ चुका है। सौ रुपए किलो होना अकेले एक किलो खाता ऐसा सेब है। तू खाना कितने रहे मंगे रहे देरी जाने से। सही बात है। जो ये कई का पिलो चाहे सब डाला लेने को तुम काट दो। ओपन करो तुम्हारे काट दो जोरो काट दो हां देखो क्या काट दो ले चलो। तुम्हें छिलते दे रहा हूं, छिलते गए क्या पता नहीं। छिलते हमें नहीं खाते, अनार खाते तो खाने अंदर के। और का फोन क्या करता हूं। देखिए कैसा YouTube के थ्रू मैं ऐसा दिल से घुसको रहती नहीं है उसे मिलती हूँ। दिल से वीडियो बना रही हूँ, दिल से वीडियो बना रही हूँ। मामा का काम ही मिल जाती है, मामा का वीडियो बना रही है। तो यहाँ पर देखिए मेरी YouTube फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर हम बोल सकते हैं, आप मेरे सिस्टर बोल सकते हैं। उन्होंने मुझे मार्केट में ऐसी जगह पहचान को बात करे बोले तो बहुत बड़ी खुश नसीबी की बात ही है, बहुत खुशी हो गई मुझे। मेरी आवाज़ से पहचानती हैं और मेरे चेहरे से पहचानती। ये अल्लाह ताला का मेरे पर बहुत बड़ा एहसान कि एक यूट्यूब से आप मुझे पहचान को आपको बात करती। बहुत खुशी होती है, दिल से दुआ निकलती है, मुझे पहचान का आपको बात करती ना मेरी यूट्यूब फैमिली बोल को। अल्लाह आपको जैसा मुझे खुश करती थी मैं ऐसा सुनना भी खुश रखूँ अल्लाह। तो हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, देखिए ऑटो का कार का स्पीकर ऐसे बड़े बड़े। तो यहाँ पर हम लेने आए ऑटो के लिए, क्या लिए सो मामा स्टीरियो। तो यहाँ पर देखिए लेगी को हो गया, अभी चक्कर आ रहे हैं। ऑटो को खवाला नहीं तो अच्छा नहीं लगता, तो कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, अच्छा है ना, टेंशन से फ्री हो जाती है, रखना चाहिए। और साथ में FM रहे तो न्यूज़ भी सुन सकती हैं और क्रिकेट के बारे में जान सकती हैं, बहुत कुछ रहता है ना वगैरह वगैरह। इधर स्पीकर केबल थोड़े, इधर स्पीकर दो, नालक स्पीकर इधर कनेक्शन है, फोर स्पीकर आउट बेकर आउट दो, बैटरी आउट, इधर कनेक्शन कोटर की नंगे इधर ले, के लिए, ऑटो के लिए, घर के लिए और टीवी के लिए
सब कुछ यहाँ पर है बॉक्स में, इस एड्रेस पे मैं मेंशन करूँगी आपको। ऑटो के लिए ले रही हूँ मैं, सिस्टम खराब हो गया था। तो आइए भाई के पास विजिट कर लीजिए, देखें ऑटो के लिए भी ले रही हूँ इंशाल्लाह। नेक्स्ट फोन पे की भी सहूलत है, ऑनलाइन ऑनलाइन मंगा सकते हैं क्या आपके पास है? नहीं है वो सहूलत नहीं है, आपको ले लीजिए। तो ये दुकान का नाम संगम इलेक्ट्रॉनिक, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। ये एफएम मुझे बहुत पसंद आया। सीसी कैमरा तो हमें बाहर के वास्ते भी एक सीसी कैमरा, ऑलरेडी मैं अंदर रखी हूँ तो बाहर के लिए भी एक सीसी कैमरा लेंगे। यहाँ से जाएंगे तो चलिए, बारिश भी देखिए क्लाइमेट। कैसा लग गया आज हम सब खुश हो जाते हैं? अब खुश हो गए? अच्छा है सर, अच्छा है। वारंटी कार्ड सभी देखो अच्छा है। खुश हो गए? 200 रुपए कमाती सर, म्यूजिक भी होना, कितना कमाती सर? तो मैं जब घर से बाहर निकली मार्केट आने के लिए तो पाँव को मार लगा था, लेकिन मेरी यूट्यूब फैमिली सब मिलकर मुझे खुश कर डाले। अल्लाह ताला का शुक्रिया बहुत बहुत ज़्यादा कि मैं बहुत खुश हूँ। अभी कुछ भी नहीं लेती मैं, घर जाऊँगी। जब भी मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे सिस्टर्स मिलती तब मुझे खुशी से बात ही नहीं आती। तो मुझे ऐसा लगता है दिमाग में मेरा वीडियो देखो मुझे सचमुच सामने मिल रही, क्या बोल को अपने आप को समा नहीं सकती मैं खुशी से। मैं इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करती, देखते रह जाती हूँ। आप ये मत सोचिए कि मैं बात नहीं करती, बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है आपके बारे में जानने। जब हमें सोच को भी नहीं रहते कि हमारे सामने कौन आ रही, एकदम से सरप्राइज दे डालती हूँ तुम्हें, तब खुशी से क्या होता बोलो, मुझे बात ही नहीं आती। तो अचानक मेरे सामने आ जाती ना, तो जब हाथ मिला रहे होते हैं तो मैं समझ भी नहीं आता कि कौन मिल रही है बिल्कुल, तो एकदम खुशी ज़्यादा हो जाती है और फुल एक्साइटमेंट हो जाती है, मैं क्या बात करूँ बिल्कुल। तो चलिए घर चलते हैं। ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ ಶಾರದಾ ಸ್ಕೂಲ ಶಾರದಾ ಸ್ಕೂಲ ನೀನು ಒಂದೇ ಮಗು ನಾ ನಿಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಕಾಸು ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಕರ್ಕ ಬಂದು ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟೋಣ ಅಂತ 5 ಮಳ ಹೂವು ಕಟ್ಕೊಳ್ತು ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾರಕಣ್ಣ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ದಿಸ ಮಾರಲ್ವ ನೀನು ದಿಸ ಹೂವು ಮಾರಲ್ವಾ ಮಾರ್ತೀಯ 25 ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ತಗೊಳಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಹೇಳು 20 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೊಳ್ತಾರಮ್ಮ ಯಾರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ 25 ಅಂದ್ರೆ ಬೆಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೂವು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳು ಹ್ಞೂ ಓಕೆ ಬೈ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಬಿದ್ದೋಗ್ತೀಯ ಆಮೇಲೆ ಬಾ बहुत छोटा बच्चा है वो, 3वीं क्लास पढ़ रहा है बोल रहा है, लेकिन घर के हालात मजबूरी देखो, बच्चे भी काम को जाते हैं ना, वो देख के मुझे बहुत बेजार होता है। जो कुछ मेरे ज़रूरत की चीज़ें थे वो स्टॉक नहीं थे, हर चीज़ मिल जाती है इनकी दुकान में। अगर आप बोलेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका नंबर भी दूंगी। हर एक मसाला मिलता है, चिकन मसाला, बिरयानी मसाला, मैं बोल नहीं सकती उतने मसाले इनके पास। तो यहाँ गंगोना ले आ गए थे हम स्टूडियो बिठाने के वास्ते, पूछ करे मोमो। तो ये भाई जो है उन्होंने भी यूट्यूब में है, तो मेरे भी यूट्यूब के बारे में पूछ रहे थे कैसा किधर बोल को, तो मैं बोली कि उनको डिटेल्स में एक वीडियो बना के डालूँगी इंशाल्लाह। इनके पास सब कुछ आइटम मिल जाते हैं और कार फिटिंग, ऑटो फिटिंग सब कुछ चलता है। इन्होंने मेरे सब्सक्राइबर भी मेरा वीडियो देखते रहते हैं। तो लायर पल्ले से आने के बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ गर्म खाना, अभी बनाई, और मैं अर्जेंट में तुरई का चखना बना दूँगी जल्दी जल्दी। तो थोड़ी सी प्याज पिंक कलर करेंगे, अभी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। अभी मैं थोड़ा सा 1/2 स्पून अदरक, 1/2 स्पून लहसुन डाली हूँ इसमें। मैं डालूंगी अभी मिर्ची काटा, हल्दी, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर, गरम मसाला और एक टमाटर। तो अभी इसमें टमाटर भी मैं भून लूँगी, 2 से 5 मिनट तक टमाटर भून लेंगे अदरक लहसुन का मसाले की खुशबू गई था पकाना। तो ड्राई बना रही हूँ ये,
तो इसे भी डाल देंगे तुरई को भी साथ साथ में भूनने के लिए। दो भी मिल को पकाना बहुत टेस्टी, इसे पानी डालने की ज़रूरत नहीं, ऐसा दम हो जाता है तुरई। तुरई में भी ऑलरेडी पानी है और प्याज में भी पानी रहता है ना, उसी में दम हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर तुरई में है नहीं, कभी चाकना पकाए तो पानी नहीं डालना, प्याज और तुरई टमाटर के पानी में पक जाती है और बहुत टेस्टी रहती है इस तरह से ग्रेवी बनाए तो। अभी पकना, अदरक लहसुन की खुशबू जाना मेन कच्चे टमाटर की, अच्छी तरह से भुने, ईज इसे बनाए जाइए। अदरक लहसुन का पेस्ट रहती, धनिया कटा, मिर्ची कटा, नमक, हल्दी, बस इतना मसाला इसका, और दो टमाटर। अभी दो अंडे डालेंगे इसमें। तो देखिए यहाँ पर पानी नहीं डाले तो ऐसा ड्राई ड्राई रह जाए तो तुरई का चखना बहुत टेस्टी रहता है। इसी में मैं दो अंडे डाल रही हूँ, बिस्मिल्लाह। इसे मिक्स नहीं करेंगे हम, इसी तरह से दम पर करेंगे। मेरी यूट्यूब फैमिली, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स कीजिए। नहीं आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को ऑल कर दीजिए, नोटिफिकेशन आपके रोज़ रोज़ के आएंगे। बेल को एक ही बार ऑल करना है, एकदम फ्री है, बार बार नहीं, नहीं तो आपको रोज़ रोज़ की वीडियो नहीं आएंगे, आपके फ़ोन से पैसे नहीं कट होते, एकदम फ्री है। मेरी मेहनत के लिए ये एक लाइक तो ज़रूरी है, इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। चलिए डिनर करेंगे मेरी यूट्यूब फैमिली, मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, अच्छे अच्छे खाने बनाइए, खाइए।